हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काना मैथ कोचिंग। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। ठीक है, बट इससे पहले ना मैं आपको एक नंबर लाइन के बारे में बताना चाहती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो दी होती है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार नंबर लाइन के बारे में बता दूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था, वो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें 4 रूल्स हैं आपके और वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब नंबर लाइन लगाते हैं तो ये सभी वैल्यूज़ जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, हमेशा कौन सी होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं और ये नेगेटिव होती है। और हमेशा याद रखना है, ज़ीरो हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, ज़ीरो इज़ ऑल्सो इंटीजर, और पॉजिटिव वाले भी इंटीजर, नेगेटिव वाले भी इंटीजर्स। इसके अंदर हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेते। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है तो उसमें बड़ा कौन सा होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगी, बड़ी होंगी। नेगेटिव से पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होंगी। अगर मैं कहूँ -3 और मैं बोलूँ 2, कौन सा बड़ा है, तो मैं कहूँगी 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव वाली से हमेशा बड़ी होती हैं, और ज़ीरो भी नेगेटिव वाली से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब नेगेटिव के बीच में ही कंपैरिजन करना हो कि कौन सा बड़ा है, तो जितनी छोटी हमारी डिजिट होंगी, जितना छोटा हमारा नंबर होगा उतना ही वो बड़ा होगा। मान लो -1 है, -1 और -4 में से मैं पूछूँ कौन सा बड़ा है, तो इट मीन्स वो -1 बड़ा है। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी नेगेटिव में उतनी वो छोटी होती जाएगी। लेकिन पॉजिटिव में कहूँ 2 और 4 में से कौन सा बड़ा है, आप क्या कहोगे, 4। पॉजिटिव में तो वैसे ही होता है, आपको पता है, जैसे हम निकालते हैं, चेक करते हैं ना कि ग्रेटर देन लेस देन कौन सा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू में आपको पता होता है। लेकिन नेगेटिव वाली में अगर आपसे पूछा जाए तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही वो बड़ा नंबर होगा। अगर -3 और -2 में से पूछा जाए तो जो छोटा है वही आएगा, लेकिन 3 और 2 में से पूछा जाए पॉजिटिव वाली में से तो 3 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। तो देखिए फ्लोइंग फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री। ये जो नंबर लाइन है ये शो करती है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे पर अलग अलग प्लेसेस, एक ही दिन में बताया हुआ है, पर्टिकुलर डे पर अलग अलग प्लेसेस ने अपने टेम्परेचर दिए हैं। देखिए आई होप आपको शो हो रहा होगा। और फर्स्ट दिया हुआ, जैसे ऑब्जर्व दीज नंबर लाइन, ऑब्जर्व करो इस नंबर लाइन को, देखो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेज मार्क्ड ऑन इट। और फिर आपको क्या करने हैं, टेम्परेचर राइट करने हैं जो प्लेसेज आपके मार्क्ड हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, फर्स्ट आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, लाहौल स्पीति, इसमें आपका टेम्परेचर कितना है, -5 के बाद -6, -7 और -8। इट मीन्स जो हमारा लाहौल स्पीति है उसका हमारा टेम्परेचर कितना होगा, -8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा, देखिए 0 के बाद हमारे पास यहाँ -1, यहाँ पे -2, तो कितना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है शिमला। शिमला का टेम्परेचर आप जब राइट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद ये 11, 12, 13, 14 और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ओटी, इसमें कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका है बेंगलुरु, इसमें कितना है, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करने थे, राइट करना था टेम्परेचर जो प्लेसेस यहाँ पे मार्क्ड है ना, बस उन पे हमें क्या करना था, टेम्परेचर राइट करने थे उनके। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबोव। जो आपको इसके अंदर हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस है ना वो बताने हैं आपको। ठीक है, अब इसके अंदर टेम्परेचर बताना है हॉटेस्ट का, तो आप पहले क्या राइट करेंगे, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है, हॉटेस्ट प्लेस देखिए आप यहाँ पे, हॉटेस्ट कौन सा है हमारा, यहाँ पे बेंगलुरु, 22 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस बताना है, मीन्स उनको सब्रैक्ट करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबोव, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी यहाँ डिफरेंस नहीं दिया, डिफरेंस बताना है, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट आ गया, अब टेम्परेचर ऑफ
कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है? कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कोल्डेस्ट कौन सा है? लेहोसुपीति। ठीक है, तो कोल्डेस्ट का कितना हो जाएगा? लेहोसुपीति में कितना है? माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8। अब हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस में। ठीक है, अब हम डिफरेंस करते हैं। जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले हम बड़ा लिखते हैं। बड़ा हमने लिख दिया नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी 22। अब डिफरेंस करना है तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। और आपको पता है जब भी नंबर रीड करते हैं उसके आगे माइनस है तो कैसे नंबर रीड करते हैं? माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, ये तो डिफरेंस का लग गया सबट्रैक्ट करने का। अब अलग से ये नंबर भी तो है 8 डिग्री सेल्सियस, इसको राइट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। 22 और 8 कितना हो गया? 30। इट मीन्स जो आपका कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट का टेम्परेचर है उसका डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। आगे दिया हुआ सी पार्ट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। सी, अब लाहौल-स्पीति का कितना दिया हुआ है? -8 और श्रीनगर का -2। इनका डिफरेंस निकालना है तो बड़े वाला कौन सा है -8 और -2 में से? मैंने बताया था नेगेटिव वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें बड़े वाला कौन सा होता है? जितना छोटी वैल्यू होगी उतना ही वो बड़ा होगा। ठीक है, तो आप इसको ले लो। डिफरेंस निकालना है तो पहले किसका टेम्परेचर लिखोगे आप? टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? बड़ा है, -2 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ लाहौल-स्पीति, ठीक है, इसका कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड लाहौल-स्पीति। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस निकालना है। अब आपको पता है जब डिफरेंस निकालना है तो सबट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पहले बड़ी वाली वैल्यू लिख दी, बड़ी वाली। अब सबट्रैक्ट करना है। किसको सबट्रैक्ट करना है? -8 डिग्री सेल्सियस वाले को। ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस 8। अब माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, है ना। माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो अब आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, और अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 डिग्री सेल्सियस। बड़े वाले के साथ साइन क्या है? प्लस का। आगे दिया हुआ है डी पार्ट, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम जो हैं वो कह सकते हैं कि अगर आप श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लेते हो टेकन टुगेदर, मीन्स एक साथ, टेकन टुगेदर का मतलब एक साथ, अगर आप श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लेते हो तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा? इज़ इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर? और अगर इकट्ठा लेते हो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर तो पहले तो कहते हैं शिमला वाले से कम आएगा, फिर कहते हैं क्या वो श्रीनगर वाले से कम आएगा? तो पहले हम इन दोनों का एक साथ टेम्परेचर ही ले लेते हैं। ठीक है ना, तो टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर शिमला का कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों को एक साथ ले लो। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टू गैदर, अगर दोनों का एक साथ ले लेते हो तो अब हमें क्या करना है? इनको टेकन टू गैदर मीन दोनों को एक साथ लेना है, 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस माइनस होते हैं, है ना।
तो अब आप क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 5 में से 2 गया 3, 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आपने लिया शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर एक साथ, जो कि बताना है हमको कि वो शिमला वाले से कम है। अब शिमला का कितना है बताओ, शिमला का 5, शिमला वाले से क्या है ये कम है ना, 3 डिग्री सेल्सियस कम है किससे, 5 डिग्री वाले से, क्योंकि शिमला का 5 डिग्री है और इन दोनों का लिया श्रीनगर और शिमला का, तो वो आया 3, इट मीन्स 3 डिग्री सेल्सियस कम है 5 डिग्री सेल्सियस से। सो आप क्या कह सकते हो अब, सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। यस यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है क्या वो टेम्परेचर श्रीनगर से कम है, 3 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ नेगेटिव वाली बड़ी होती है पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव वाली। अब क्या कहते हैं, नो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है, ये तो नहीं है, नो और इसमें यस हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेकिन इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सब अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़।